प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं नवग्रह शांति के उपाय। प्रिय दर्शकों, आपको जहाँ भी जाएंगे आपको बहुत प्रकार की लोग बताएंगे ये दान करो वो दान करो, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो लिखा है आपको वही दान करना चाहिए। शास्त्र सम्मत आप करेंगे, जो मंत्र हैं वैदिक पूजा है उनसे ग्रह जल्दी शांत होते हैं। तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि हमारे सनातन धर्म में जो विधान दिया है उसी अनुसार आपको पूजा करनी चाहिए, उसी प्रकार आपको मंत्र जाप करना चाहिए। तो ऐसे लोगों की बातों में आकर के आप दान करें वो तो अच्छा है, फल मिलता है, लेकिन आप एक शास्त्र मर्यादित जो विधान किया गया है उसके अनुसार आप दान करेंगे तो आपके जो दान है वो उसका फल आपको अधिक प्राप्त होगा। तो चलिए मैं शुरू करने वाला हूँ। तो दर्शकों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आप मैं अपलोड करने वाला हूँ। और आपके मन में भी कोई शंका हो, आप कोई जानना चाहते हो, अगर मुझे आता होगा तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी कर सकते हैं, आपकी जो भी जिज्ञासा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में घंटी का निशान है उसको भी दबा करके उस पर ऑल लिखा होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य। दर्शकों, सूर्य क्या होता है, कुंडली में जिसका भी सूर्य खराब होता है, कुंडली में सबसे अधिक बलवान कोई भी ग्रह होता है सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य तेज है। आदमी का अगर तेजवान नहीं है तो आदमी जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए दर्शकों, मेरी मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप सूर्य की उपासना जरूर करें। देखिए, सूर्य की उपासना सबसे सरल उपासना ये है कि आप सूर्य को प्रतिदिन उठ करके स्नान करके सूर्योदय से पहले और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ये सबसे सरल तरीका है पूजा का। तो चलिए शुरू करता हूँ। इसका ये वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र आपको आते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं देखो वैदिक मंत्र बोल के बताता हूँ, लेकिन आप वैदिक मंत्र नहीं कर पा रहे हो तो आप ये तांत्रिक सूर्य मंत्र भी हैं, एकाक्षरी बीज मंत्र भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये वैदिक मंत्र इस प्रकार है। हरि ओम आकृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं व्रतयञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवना निपश्यन्। ये वैदिक मंत्र है। अभी सूर्य गायत्री इसका भी जाप कर सकते हैं। आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। इसका भी आप जाप कर सकते हैं। और ये एकाक्षरी बीज मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। आपको इसी मंत्र का जाप करना है, क्योंकि ये जो वैदिक मंत्र हैं ये आपको किसी अच्छे ब्राह्मण के पास जाकर के आपको गुरुमुख करना होगा, उनसे पढ़ना होगा, शुद्ध पढ़ना होगा। देखिए दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि वैदिक मंत्र करने से ज़्यादा फायदा है, उसका फायदा तो है कि आप अशुद्ध करेंगे तो कोई फायदा नहीं, इसलिए आप शुद्ध करना है। तो आप सबसे अच्छा है ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। और आपको ये तांत्रिक सूर्य मंत्र भी कर सकते हैं, ओम ह्रौं ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इसकी जप संख्या है 7000। प्रिय दर्शकों, मैंने ऐसा सुना है कि कलयुग के अंदर जपों की संख्या है वो 4 गुना अधिक होनी चाहिए, जैसे 7 चौक 28 28000 आपको जप करना है, लेकिन आप 7000 जप कीजिएगा, इसका आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, सूर्य भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो इस प्रकार आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं। इसके बाद आता है दर्शकों चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, मन होता है। व्यक्ति का मन अगर शांत नहीं रहता है, मन से सारे कार्य होते हैं। सूर्य और चंद्रमा कुंडली में लगभग आधा फलित इन्हीं दोनों ग्रहों का होता है, तो इनको शांत करना बहुत जरूरी होता है। तो इसका वैदिक मंत्र इस प्रकार है। ओम इमं देवा असपत्न गुं सुवदवं महते क्षतराय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रसेन्द्रियाय इमम मुख्य पुत्र मुख्यै पुत्र मस्यै विषये खवोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानागुंगराजा। ये है वैदिक मंत्र। दोस्तों, ये बहुत लंबा मंत्र है, आपको आता है तो कीजिए, नहीं तो नहीं मत कीजिएगा। आप सोम गायत्री भी कर सकते हैं। ओम अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्न सोम प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। एकाक्षर बीज मंत्र है, आपको इसी का जाप करना, ओम सोम सोमाय नमः।
इसका वो तांत्रिक मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्र वसे नमः। इन दोनों मंत्रों में से आपको जो सरल लगता हो उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसकी जप संख्या है 11,000। 11,000 इसकी संख्या है, तो आप 11,000 रात्रि में इसका जप करना चाहिए चंद्रमा के लिए। तो इस प्रकार आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करके चंद्रमा को शांत कर सकते हैं। इसके बाद आता है मंगल। मंगल भी बहुत उग्र ग्रह है, जिसका मंगल किसी को राजनेता बनना हो, भूमि इत्यादि का व्यापार करना हो, तो उसको मंगल का अपना मजबूत बनाना होता है। कोई भी राजनेता होता है उसे मंगल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो धारा प्रवाह बोल सकता है, निडर रहता है, वो मंगल ही कर सकता है। तो मंगल के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना है। वैदिक मंत्र है ओम अग्निर्मूर्धा दिवः काकुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुरेतागुंसि जिन्वति। ये वैदिक मंत्र है। और भौम गायत्री मंगल गायत्री क्या है? ओम अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। ये मंगल का मंत्र है। लेकिन आपको इसी दो मंत्र हैं, एकाक्षर बीज मंत्र और तांत्रिक मंत्र, इन दोनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। जैसे एकाक्षर बीज मंत्र क्या है? ओम अंग अंगारकाय नमः। और तांत्रिक मंत्र क्या है? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इसकी जप संख्या है 10,000, 10,000। इसलिए इसका 10,000 आपको जप करना चाहिए। अब दर्शकों बारी आती है बुद्ध की। बुद्ध का वैदिक मंत्र इस प्रकार है ओम उद्बुद्य स्वाग्नि प्रति जागृहि त्वामिष्टा पूर्ते सगुं श्रीजेथा मयंच अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ये वैदिक मंत्र है। बुद्ध गायत्री मंत्र क्या है? ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्। अभी एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः। और तांत्रिक बुद्ध मंत्र क्या है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इसकी जप संख्या है 9,000। 9,000 इसको आपकी जप करना है। इसके बाद ये दस को आता है कुंडली में गुरु। गुरु क्या है? सबसे अच्छा ग्रह होता है कुंडली में। गुरु जिसका बलवान होता है वो व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। इसलिए आप अगर कोई ऐसा चाहते हैं कि मैं भी धार्मिक बनूं, तो बुद्ध की उपासना आपको अवश्य करनी चाहिए। बुद्ध के लिए सबसे अच्छा है आपको बृहस्पतिवार के दिन आपको केले का पूजन करना चाहिए। तो केले का पूजन भगवान विष्णु मान करके उनका पूजन करना चाहिए। तो इसका मंत्र है ओम बृहस्पते अति यदर्यो अरे हाद्युमद्भी भाति क्रतु मज्जनीकु जद्दीदय च वसरित प्रजा तदसमासु द्रविणं देहि चितरम। ये तो हुआ वैदिक मंत्र, गुरु गायत्री मंत्र। ओम आंगीरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्। इसके बाद एकाक्षर बीज मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। और तांत्रिक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये मंत्र आपको दोनों में से आप जप कर सकते हैं। इसकी जप संख्या है 19,000। 19,000 जप संख्या है इसकी। तो इस प्रकार आप बृहस्पति जी का उपाय कर सकते हैं। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र जो होता है वो ऐश्वर्यवान होता है, सुख संपत्ति देने वाला होता है, भोग विलास वृत्ति कराने वाला होता है, संपूर्ण काम कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो शुक्र है वो सुख संपत्ति देने वाला है। शुक्र की उपासना के लिए आपको वैदिक मंत्र जपना चाहिए ओम अन्नात् परिश्रुतो रसम ब्रह्मणा व्यपि पच्छतरम पायः सोमं प्रजापतिरितेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्दस इन्द्रसेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। ये वैदिक मंत्र है। और शुक्र गायत्री ओम भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ये शुक्र का गायत्री मंत्र है। अब एकाक्षरी बीज मंत्र जो है आप उन दोस्तों में आपको इसलिए बता रहा हूँ वैदिक मंत्र कि आपको आता हो तो कीजिए, जिनको आता है वो लोग ये कर लेंगे, जिनको नहीं आता है वो एकाक्षरी बीज मंत्र और तांत्रिक शुक्र मंत्र ये कर सकते हैं। ओम सुम शुक्राय नमः। तांत्रिक मंत्र ओम द्रां द्रीं द्रों सह शुक्राय नमः। इसकी जप संख्या दोस्तों 16,000।
16,000 इसका आपको जप करना है। इसके बाद आगे शनि देवता, शनि महाराज जो है वो कुंडली को बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। अगर जिसकी कुंडली में सूर्य शनि अच्छे होते हैं उनको बड़ी बड़ी पदवी दिलाने, क्योंकि शनि जो होता है वो न्याय करने वाला होता है, जज वकील इत्यादि शनि बनाते हैं। तो इनका अगर आपको मन है तो आप शनि देव की उपासना करनी चाहिए। शनिवार को आप शनि मंदिर में तिल का दान कीजिए और इन मंत्रों की उपासना भी कर सकते हैं। ओम सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजो रविश्रवन्तु नः। शनि गायत्री। ओम भगभवाय विद्महे मृत्युर्वर्षाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। तो ये शनि का मंत्र है वैदिक। अब एकाक्षर बीज मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। सबसे सरल मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनये नमः, इसकी जप संख्या है 23,000, 23,000 जप संख्या है। आप इनकी जप कर करके शनि देवता को आप शांत कर सकते हैं। इसके बाद राहु, राहु का मंत्र वैदिक मंत्र ओम कया नश्चित्र आभुव दूती सदा वृदः सका कया सचिष्टया वृता। ये इसका वैदिक मंत्र है, राहु गायत्री है। ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। इसका एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इसका तांत्रिक मंत्र है ओम राम ह्रीं रोम सह राहवे नमः। जप संख्या है इसकी 18,000, 18,000। इसके बाद आगे केतु, केतु का वैदिक मंत्र इस प्रकार है ओम केतुम कृणवन्न केतवे पेशो मृजा अपेशसे समुखद्विरजा यथा। ये केतु का वैदिक मंत्र है। केतु गायत्री क्या है ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। केतु का बीज मंत्र ओम केम केतवे नमः। तांत्रिक मंत्र क्या है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, और इसकी जप संख्या है 17,000। तो प्रिय दोस्तों इस प्रकार आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सबसे सरल मंत्र है तांत्रिक मंत्र, आप कोई भी तांत्रिक मंत्र लेकर, क्योंकि तांत्रिक मंत्र का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्दी मिलता है। तो दर्शकों ये थे नवग्रह शांति के उपाय जो मैंने आपको मंत्रों के माध्यम से बताए हैं, और दान इत्यादि के माध्यम से भी बहुत प्रकार से हैं, वो भी उसकी वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन आप इन मंत्रों का जप करके आप ग्रहों को शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।